बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हो गया है। तो अगर बीजेपी नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। कल जाके अगर बीजेपी ने और कुछ ऐसा कर लिया तो जैसे, या फिर उनकी तरफ से कुछ लीडर आपके ओर भाग गए, या फिर और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आ गए जिससे, तो आप कैसे उस चैलेंज को कैसे आप सामना करेंगे? उसमें तो फिर सरकार रहेगी ना, फिर एजेंसीज रहेंगी ना, फिर तो वो सरकारी तौर पर उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। महज बीजेपी एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ। पीडीपी में वापस आना चाहेंगे? अब पार्टी का फैसला होगा तो सरकम तस्लीम होगा। अगर पार्टी ये चाहती है किसी को लाना तो हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। XMLA? जी जी जी, आप बताएं, XMLA से मेरा मुकाबला होगा। अच्छा, नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर और दौर, में हूँ आपका मेज़बान आसिम मोहिद्दीन। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इंतखाबात की जो तैयारियां इस वक्त चल रही है, इसके साथ साथ लोग यहां पर जो असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं है कब वो हो रहे हैं, कोई यकीन दहानी उनसे नहीं हो रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इस वक्त जो सियासी जमातें वो कहीं ना कहीं तैयारियाँ कर रही है, जब भी हो जाएँ उनका यही जो इस वक्त जो टारगेट है कि वो उस इलेक्शन में, उस चुनाव में वो कामयाब हो जाए। हमारे साथ है स्पोक्स पर्सन पीडीपी के रफीक अहमद राठौर साहब, और बारामूला से उन्हीं को शायद आने वाले वक्त में टिकट मिल सकती है असेंबली चुनाव के लिए। क्या लग रहा है आपको, पीडीपी कहां आपको दिख रही है? दरअसल मामला यह है कि मुझे एक साल पहले मैंने पीडीपी में शामिल हुआ। मैं, जैसे आपको पता है कि मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एक बहुत बड़ा स्टेज है जय के नाम से, उसका मैं सदर था। तो एक साल से जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलखसूस बारामूला में देखा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैंने देखा हर जगह पर सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनका कैडर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी आम बात है कि लीडर छोड़ के चले गए, लेकिन कैडर हमारा वहाँ पर अभी भी है। इस सिलसिले में मैंने, मेरे ख्याल में 72 विलेजेस का मैंने दौरा किया आज तक एक साल में। तो मैंने देखा कि हर जगह हमारे लोग, उनने बड़ा बड़ा ऑनरेबली मुझे रिसीव किया, बड़ा गर्मजोशी से रिसीव किया, और सबका ये मानना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज तक उन्होंने थामे रखा है और लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मजबूत गढ़ रहा है बारामूला, तो इंशाल्लाह आज के बाद भी आप देखेंगे कि आज की डेट में भी इवन बारामूला एक मजबूत गढ़ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और जहां पर सारे के सारे लोग बेग जबान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्राम, उनके जो जिस तरह का सिलसिला रहा है पिछले एक साल में, बिलखसूस मैडम का जो स्टैंड है कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से, उसकी उसके हवाले से यहाँ पर ताउन है, हर जगह ताउन है। और मैं मुतमिन हूँ आज तक की जो कुछ मैंने देखा बारामूला में बिलखसूस। अभी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान 2019 के बाद वो पीडीपी के हुआ था, पीडीपी की पार्टी ने उसके बावजूद भी बारामूला से एक डीडीसी की चीज सीट जीती थी। आने वाले इलेक्शंस में आप पीडीपी को बारामूला में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है जो मुकाबला होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान ही होगा। हालांकि अभी आप पीएचडीडी में हैं, तो कल जाके अगर आपने इलेक्शन लड़ना होगा तो बारामूला में आपको किस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि जो आपके साथ जो इलाका है जहाँ से आपको लग रहा है कि कामयाबी की चांस ज़्यादा है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,22,000 वोट्स हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसमें से हमें रफियाबाद से कुछ 10-15,000 वोट आए हैं, और 32,000 वोट्स हमें एरस्टवाइल संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं। हमारे 8-10,000 वोट कटे भी हैं जो उड़ी के साथ गए, लेकिन मैंने देखा कि जो कंडी बेल्ट हमारा है और जो संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से इधर ट्रांसफर हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो पहले उन्होंने जो वहाँ पर एमएलए रहे हैं बशारत साहब, उसका बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने जब वो पीडीपी के साथ थे, तो वहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट है। और ये जो सेंट्रल आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक एरिया है आपका, दिलना है आपका, कनिसपोरा आपका, सिंहपोरा, ओहदपोरा, और ये एक बीच में जो बहुत बड़ा बेल्ट है जहाँ तक, तो इसमें भी सपोर्ट रहा है। और जहाँ तक नारवाव का इलाका है, तो आपको मालूम है कि नारवाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मरकज़ महारा है जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। तो ओवरऑल सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सपोर्ट है और बड़े मजबूत हमें, और मैं बार बार कहता हूँ कि पीएजीडी हो या ना हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये सीट ले लेगी यहाँ से, बारामूला से।
इससे पहले जावेद हसन बेग जो बेग खानदान जो था उनका भी एक तसल्लुत था बारामूला में, उनका भी एक इन्फ्लुएंस था, उनकी वजह से भी बहुत सारे वोट्स पीडीपी को मिल रहे हैं। आज वो बेग्स नहीं है पीडीपी में, इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ चले गए पीडीपी से। आपको क्या लग रहा है कितना नुकसान पीडीपी को हो सकता है इससे? नहीं, मुझे नहीं लगा कि जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नुकसान होगा, क्योंकि बेग साहब, बड़े बेग साहब जो हैं उन्होंने वो पार्टी के फाउंडर हैं और जावेद साहब भी पार्टी के, मेरे ख्याल में जब से पार्टी बनी तब से इसके साथ वाबस्ता रहे और एमएलए भी रहे हैं। बेग साहब कुछ 10-15 साल, 6-6-12 और फिर पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, तकरीबन 18-19 साल तक उनका बारामूला में रहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर उनने इलेक्शन जीता, लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनके जाने के साथ ही सारा का सारा वो कैडर उनके साथ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगा और कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और मैं बड़े फिर से दोहराना चाहूँगा, जो इलाका हमारे साथ आज जुड़ा है, मैं बताइए खुद वहाँ पर गया हूँ, हर गांव में गया हूँ और मैंने वहाँ पर लोगों का मूड भी देखा है, तो वो बड़े पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हैं और बड़ी मजबूत कंडीशन में है। आप, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, कोई सियासत इसमें नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी मजबूत है। यही वजह है कि जो लोग गए हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो जितने भी लोग गए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी लोग गए हैं सारे के सारे वापस आना चाहते हैं, उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ प्यार नहीं है, लेकिन उनका जो कैडर वहाँ पर मौजूद है इसी वजह से वो परेशान है और वापस आना चाहते हैं। ज़मीन की सत्ता पे तो ठीक है, अगर आपका दावा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का, लेकिन आपको तो पता है दिल्ली सबसे ज़्यादा अगर नाराज़ है वो पीडीपी से है, बीजेपी के साथ आप मुकाबला कर पाओगे आने वाले इलेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगता है बीजेपी का यहाँ पर क्या है डायरेक्टली, नहीं लेकिन जम्मू कश्मीर, नहीं नहीं मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा आपकी बात। देखिए डेमोक्रेसी में इट्स ए बैटल ऑफ आइडियाज़, अगर आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी का बारामूला में कोई, बारामूला नहीं बल्कि सारे कश्मीर में, बल्कि जम्मू में भी पोजीशन बड़ी वीक है, कश्मीर में तो उनका एक सीट पर भी मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। उनके साथ मुकाबला आप हमें ना करें, बल्कि जो यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या दूसरे लोग हैं उनके साथ हमारा मुकाबला हो सकता है। मेरे ख्याल में बीजेपी के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, सिवाय इसके कि जिस तरफ आप इशारा करते हैं, अगर इस तरह की कोई पोजीशन बन जाती है तो फिर वो सारे हिंदुस्तान में होगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं। नहीं, अभी आपके बहुत सारे लीडर जो चले गए हैं उसमें भी तो महबूबा जी का कहना है कि बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हो गया है, तो अगर बीजेपी नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। कल जाके अगर बीजेपी ने और कुछ ऐसा कर लिया तो जैसे, या फिर उनकी तरफ से कुछ लीडर आपके ओर भाग गए, या फिर और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आ गए जिससे, तो आप कैसे उस चैलेंज को कैसे आप सामना करेंगे? उसमें तो फिर सरकार रहेगी ना, फिर एजेंसीज रहेंगी ना, फिर तो वो सरकारी तौर पर उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। महज बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, तो बीजेपी बहसीत पॉलिटिकल पार्टी है, सब कुछ नहीं कर सकती अनलेस जो एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर है, जो वहाँ पर सरकार है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, अनलेस वो इसको सपोर्ट नहीं करें, अगर वो इसको मैनिपुलेट करेंगे तो फिर वो उसमें आप क्या कर सकते हैं। महबूबा जी तो बार बार कह रही है कि ये ईडी का इस्तेमाल कर रही है, बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है सियासी जमातों के, सियासी हरीफों के खिलाफ, तो इस तरह के दावे तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो आपको कोई खर्चा नजर आ रहा है? नहीं, दैट्स अ फैक्ट। अब देखिए सारे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, अब देखिए वहाँ पर महाराष्ट्र में क्या हुआ या बाकी स्टेटों में क्या हुआ, चेन्नई में क्या हुआ पिछली बार, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कोई साउंड वॉइस है, कोई सैन वॉइस है, उसको दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा, बिलखसूस हमारी पार्टी के खिलाफ, बजाय खुद प्रेजिडेंट के खिलाफ कितनी बार उनको ईडी ने बुलाया ऑफिस, और उनके 80 साल बुजुर्ग जो माँ हैं उनको बुलाया और उनके खिलाफ इल्ज़ाम, तो यह सिलसिला जारी है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप आज है, यह टेस्टेड लीडरशिप है, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में इन्होंने पीडीपी को, पार्टी को संभाल के रखा, हाल जब इन पर जुल्म भी था, जब इन पर अताब भी था, उसको फेस किया, बड़ी ब्रेवली फेस किया। और उसके बाद जो लोग इस पार्टी में आए, मैं बजाय खुद मैं आया, मुझे पता था कि वहाँ पर अजाब है, अताब है और शिकार हो जाऊँगा, लेकिन इसके बाद भी मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो जब इस तरह की पार्टी के लोग इकट्ठे हों और वो ये तहिया करें कि वो हर किस्म का वो अताब और अजाब जो उन पर है उसको फेस करने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल में फिर मुश्किलात आसान हो जाती हैं। फिर से दोहराऊंगा कि बीजेपी का तरीक़ेकार है, जहां पर भी आपको मजबूत आवाज़ मिलेगी अपोजिशन की, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने ये फार्मूला अपनाया, चाहे ईडी है, एनआईए है या बाकी एजेंसीज के ज़रिए। यहां पर आप देखिए अपने लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, आपके जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूं,
कई लोग हमारे पीएससी में बंद हैं, जो लिखना चाहता है उसको बंद करवाते हैं यहाँ पर। मैं बार बार कहता हूँ तहरीर पर कदगन है, तकरीर पर कदगन है, लेकिन इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लीडरशिप है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जो लोगों के रिप्रेजेंट करती है इमोशंस और एस्पिरेशंस, उनके जज्बात और एहसास को हम अपनी बात करते हैं, मजबूती से बात करते हैं। और इंशाल्लाह जब आप थामे रखेंगे और जब आप ईमान की जोर पर ये इस तरह का ये फेस करेंगे अजाब और अताब, तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाल ही में महबूबा जी की जो बातचीत हुई, एक मीटिंग हो गई थी उनके बेग के साथ और उनकी अहलिया के साथ, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता कि शायद वो पीडीपी में वापस आना चाहते हैं, क्या तासुरात है आपके उस बारे में? मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितने भी लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकले हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी, अगर कोई कहेगा कि मैं नहीं हूँ तो वो झूठ कह रहा है, कि जो मुझे पता है सब लोग कोशिश करते हैं कि हम वापस आएँ पार्टी में। और वो पार्टी में, फिर मैं दोहराऊंगा, वो पार्टी में इसलिए नहीं आते हैं कि उनको हमसे प्यार है, मोहब्बत है इस पार्टी से, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि क्योंकि वोट बैंक जो है पीडीपी का जो कैडर है वो मैडम के साथ है, महबूबा जी के साथ है, पार्टी के साथ है, वो उनके साथ नहीं गया, यही वजह है कि वो वापस आ रहे हैं। तो रही बात मुलाकात की, देखिए बेग साहब जो हैं वो फाउंडर मेम्बर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं, फैमिली रिलेशन हैं मैडम की इस फैमिली के साथ। उनकी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उनको देखने के लिए गए थे, तो एज सच उनके जॉइनिंग का कोई भी प्रपोज़ल पार्टी में अभी डिस्कस नहीं हुआ जो मुझे इतलात हैं, और जो वहाँ पर लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ भी इस तरह का नहीं हुआ, और न ही मैडम जी ने कोई प्रपोज़ल ये की है, सामने रखा है लीडरशिप के कि वो कोई आना चाहता है या नहीं आना चाहते, सिवाय इसके कि बस एक मुलाकात थी, रस्मी बातचीत थी, और वहाँ पर जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स, ये तो जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ पर चले गए एक दो घंटे वहाँ पर बैठे तो पॉलिटिक्स डिस्कस की होगी, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है जो पार्टी में डिस्कस हुआ होगा। तो मैं बड़ी वसूख से आपसे यही कहना चाहूँगा, बारामूला में अगर आप कल जाके पीडीपी की तरफ से एक टिकट लेके चुनाव में आते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको किससे होगा? एक्सएमएलए से। एक्सएमएलए? जी जी जी, आप पता है एक्सएमएलए से मेरा मुकाबला होगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो स्ट्रांग है बारामूला में? आज की डेट में मैं उनको मानता हूँ कि वो मुकाबला हमारा होगा उनके साथ। हाँ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मेरे ख्याल में मैं इतना मजबूत नहीं देखता, उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा फेस भी नहीं है बारामूला में कि आप उनको किसी जगह पर किसी नंबर पर लाएं। तो फिर वो दोहराऊंगा, एक एमएलए के साथ मुकाबला है, मैं आज की डेट में जो मैंने मूड देखा लोगों का, जहां मैं घूमा हूं और वो 10-15 साल पर बल्कि 20 साल तक सियासत में रहे और बारामूला में उनका इक्तदार भी रहा, तो जाहिर सी बात है उनका असर भी होगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं। अगर वो पीडीपी में वापस आना चाहेंगे? अब पार्टी का फैसला होगा तो सरकम तस्लीम होगा, अगर पार्टी ये चाहती है किसी को लाना तो हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। जी, शुक्रिया खबर से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.